Good morning, shining stars of EPS. How are you? Fine? Very good. So, beta, I welcome you in your today's SUPW class. और SUPW क्लास में कुछ भी सीखने से पहले मैम आज आपको SUPW होता क्या है उसके बारे में बताएंगे. SUPW means बेटा socially useful productive work. हम हर रोज अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं और हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. जो हम सीखते हैं उसको अच्छे से करने का जो तरीका होता है वो इस क्लास में सिखाया जाता है. मान लो अगर आपके घर में कोई आता है, आपको उनको कैसे सर्व करना है, टेबल को कैसे सेट करना है, आपको अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे काम हैं वो कैसे करने हैं, ये सब कुछ इस क्लास में सिखाया जाता है. और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे सेट किया जाता है. और एक चीज और, हम कभी होटल में जाते हैं, अभी नहीं जा रहे हैं बट आप बाद में जरूर जाओगे, और हमें वहां पे फिंगर बाउल्स मिलते हैं, उनको हम कैसे यूज करना है इसके बारे में सीखेंगे. देखिए बच्चे, जैसे कई बार हमारे घर गेस्ट आते हैं खाने पे, ठीक है, और काफी सारे गेस्ट होते हैं और डाइनिंग सेट टेबल सेट करना होता है किसी के लिए भी खाने के लिए, तो वहां पे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारे बर्तन चाहिए होते हैं किसी को खाना खिलाने के लिए, है ना. तो हमें डाइनिंग टेबल ऐसे सेट करना चाहिए ताकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको हर चीज आसानी से मिल जाए टेबल पे. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, मैम आपको सिखाएंगे कि हम अपना डाइनिंग टेबल कैसे सेट करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा बेटा, सबसे पहले हम अपने टेबल पे मैट प्लेस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हमने बहुत नीट तरीके से, एकदम नीट तरीके से हमने टेबल पे मैट को प्लेस करना है. देन हम एक नैपकिन लेंगे, नैपकिन को मैट के लेफ्ट साइड में रखना है. नैपकिन, जो हमारा नैपकिन है उसको मैट के लेफ्ट साइड में, ठीक. थर्ड थिंग हमारी क्या होगी, थर्ड चीज होगी हमारी ग्लास, या तो हम गिलास या फिर कप, जो भी हमें वाटर के लिए रिक्वायर्ड होता है हम उसको रखेंगे राइट साइड कॉर्नर पे, हमारी मैट के कॉर्नर पे. उसके बाद बेटा विल हैव अ प्लेट, क्योंकि प्लेट चाहिए, इसी में तो खाना खाएंगे वो, है ना. फिर अब देखिए, हमने सबसे पहले किया मैट को प्लेस किया, साथ में लेफ्ट साइड में नैपकिन लिया, राइट साइड में हमने गिलास रखा या कप रखेंगे, एंड देन वी टुक अ प्लेट और ये प्लेट ली. फिर बच्चे ये होती है हमारा फोक, फोक को हमने नैपकिन पे अपसाइड डाउन करनी है, फोक की, फोक को नैपकिन पे हमने ऐसे इस वाली पोजीशन पे रखना है. फिर बच्चे हम लेंगे हमारा नाइफ, नाइफ को ऐसे, जो नाइफ का ये एज होता है ये आउटर उसमें होगा, बाहर की तरफ होगा, एंड देन विल प्लेस आर स्पून लाइक दिस. अपसाइड पोर्शन को हमने डाउन करना होता है, ठीक है, ये हो गई. देन वील आल्सो हैव अ क्वार्टर प्लेट, हम अपनी एक क्वार्टर प्लेट भी साथ में रखेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ आर प्लेट. हम अपनी राइट साइड में हमारी कटलरी के साथ ये जो चीजें होती हैं ये हमें हमारा डाइनिंग टेबल सेट करने में गेस्ट के लिए हेल्प करती हैं. और बच्चे टेबल मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स में सबसे जरूरी क्या होता है कि हमें कभी भी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बर्प नहीं करना होता, डकार, जैसे कई लोग खाना खाने के बाद आवाज निकालते हैं वो नहीं करना होता, ये अच्छा साउंड नहीं करता, ठीक है. और सबसे बड़ी बात, जब हमारा खाना खत्म हो जाता है तो हमें वेट करनी है हमारे होस्ट की, कि हमारा होस्ट का खाना खत्म हो गया तो हमें उनकी वेट करके फिर हमें उठना है. और जब हमारा खाना खत्म हो जाता है तो हमें हमारे जो भी अटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, मान लो हमने स्पून यूज़ किया, हमने फोक यूज़ किया और हमने नाइफ यूज़ किया, तो हमें उनको ऐसे ही प्लेट में, ऐसे ही इसी तरह ही प्लेट में उनको रखना है, एंड देन वी कैन लीव द टेबल, उसके बाद हम टेबल को छोड़ सकते हैं. तो ये चीज़ें होती हैं एक टेबल को सेट करने के लिए. बेटा जब भी हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाना खाने जाते हैं तो हमें मील, जब हमारा एक मील ख़त्म हो जाता है हमें फिंगर बाउल सर्व किए जाते हैं, वेटर्स होते हैं वो फिंगर बाउल्स लेके आते हैं, सो दैट वी कैन क्लीन आर हैंड्स.
हम अपने हैंड्स को साफ कर सकें। और इन बाउल्स में ल्यूक वार्म पानी होता है, थोड़ा सा गर्म पानी होता है और नींबू होता है, लेमन होता है। लेमन क्यों होता है बेटा इसमें? क्योंकि जो लेमन होता है इसका एसिडिक फॉर्म होता है, वो हमारे हाथ से ऑयल को, ग्रीस को खाना खाते हुए हमारे हाथ में जो भी ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो लग जाती है, उसको निकाल सकता है। अब हम इसका यूज़ करने का तरीका सीखते हैं। और बेटा एक चीज़ और, जो ये बाउल्स होते हैं ना, हमें हमेशा हमारे डेजर्ट से पहले सर्व किया जाता है, हमारे डेजर्ट लेने से पहले सर्व किया जाता है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है बच्चे? हम क्या करते हैं, पहले हम अपना सिर्फ वन हैंड, वी विल डिप आर वन हैंड इन बाउल एंड अपनी फिंगर्स को हम जल्दी क्विकली रब करते हैं। सिर्फ एक हाथ को पहले हमने डिप करना है पानी में, उसके बाद हमारा नैपकिन जो हमारी लैप में होता है उससे हमने अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड को ड्राई करना है। उसके बाद हम अपना दूसरा हैंड, उसके बाद बेटा हम अपना दूसरा हैंड डालेंगे पानी में और उसको, फिंगर्स को हम जल्दी जल्दी से क्विकली रब करते हैं। फिर हम अपना हैंड जो हमारा नैपकिन होता है, हमारी लैप में होता है, उससे ड्राई करेंगे। उसके बाद बेटा क्या करना होता है, हम अपने फिंगर बाउल को अपनी प्लेट के लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे, वी विल प्लेस इट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आर प्लेट। उसके बाद में क्या करते हैं, हम अपना फोक लेफ्ट साइड में रखेंगे और स्पून राइट साइड में, और हम अपने डेजर्ट के लिए रेडी हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर आर डेजर्ट। सो बेटा इट वॉज योर टूडेज SUPW क्लास। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा एंड यू विल अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ। तो बेटा थैंक यू, टेक केयर एंड गुड लक।